बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं प्रोफेसर असमा सरवर आपके साथ हूँ। हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 13 में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की 13.2 एक्सरसाइज के अंदर हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, पूरा टेस्टिंग प्रोसीजर लगाया फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए। ये सारा प्रोसीजर करने के बाद अब हम इस काबिल हैं कि हम एक्सरसाइज 13.3 को कर सकें। टॉपिक नंबर 92 है, एक्सरसाइज 13.3 करने जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हमने जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर लगाना है फॉर म्यू नहीं लगाना, फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पाई के लिए लगाना है। फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पाई के लिए अब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आपके लिए मैंने कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट किया है एक्सरसाइज 13.3 के अंदर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट को अगर हम रीड करें तो हमारे पास प्रोपोर्शन गिवन है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन गिवन है। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन क्या गिवन है? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 60% गिवन है और अ बास्केटबॉल प्लेयर हैज हिट ऑन 60% ऑफ हिज शॉट फ्रॉम द फ्लोर। इसका मतलब है जो हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पाई है वो 60% है और हमारे पास सैंपल साइज गिवन है जो कि 100 है और सैंपल साइज के अंदर जो फेवरेबल यानी जितनी शॉट्स लगती हैं वो है 70। तो ये सैंपल प्रोपोर्शन फाइंड करने में हमारी हेल्प करेगा। 70 और 100 हमारी सैंपल प्रोपोर्शन को फाइंड करने में हेल्प करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, दैट इज़ 0.05, और अगर ना भी गिवन होता तो हम 0.05 ही लेते। यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस बनेंगे वो क्या बनेंगे। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट आती है, वुड यू से दैट हिज शूटिंग हैज़ इम्प्रूव्ड। अगर उसकी शूटिंग इम्प्रूव हो रही है तो इसका मतलब है कि उसकी जो पहले प्रोपोर्शन थी वो 60% थी, तो 60% से प्रोपोर्शन जो है वो इम्प्रूव हो रही है, यानी 60% से प्रोपोर्शन ज़्यादा होगी, यानी पाई इज़ ग्रेटर देन 60% होगा। अगर हम कहते हैं कि पाई इज़ ग्रेटर देन 60% है, तो ग्रेटर वाला जो हाइपोथेसिस है वो हमेशा हमारा H1 में आता है, ग्रेटर या लेस वाला। लेकिन जो पाई इज़ ग्रेटर देन 60% है, इसमें इसका मतलब है इसका अल्टरनेट क्या बनेगा। इसका अल्टरनेट बनेगा पाई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 60%। तो जो लेस इक्वल वाला हाइपोथेसिस है वो हमेशा एच नोड में आता है। एच नोड में इक्वलिटी होल्ड करती है और एच वन में इक्वलिटी होल्ड नहीं करती। जो सिर्फ लेस और ग्रेटर वाले हाइपोथेसिस होते हैं वो एच वन में आते हैं और जिनमें इक्वलिटी होती है वो एच नोड में आते हैं। अब इम्प्रूवमेंट वाला जो हाइपोथेसिस है, वुड यू से दैट हिज शूटिंग हैज़ इम्प्रूव्ड, तो ये जो इम्प्रूवमेंट वाला हाइपोथेसिस है ये हमारा एच वन में आएगा, यानी हमारे पास जो पाई इज़ ग्रेटर देन 0.60 है ये एच वन में लिखा जाएगा, और जो इसका अल्टरनेट है ना लेस इक्वल, वो एच नोड में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये शो हो रहा है कि ये जो हाइपोथेसिस है ये सिंपल नहीं है, ये कंपोजिट है और इसमें वन टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट नहीं है। और अगर वन टेल टेस्ट है तो यहाँ पर ये बात भी शो हो रही है कि जो एच वन के अंदर है वो पाई इज़ ग्रेटर देन 0.60 है। अगर ऐसा हो तो हमारे पास जो हाइपोथेसिस होता है वो पॉजिटिव साइड पे होता है, यानी कि हमारा पॉजिटिव साइड पे, हम जो है ना राइट साइड पे हमारा क्रिटिकल रीजन है। क्रिटिकल रीजन यानी रिजेक्शन रीजन जो है वो हमारा राइट साइड पे है। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू है, वो अल्फ़ा पर नहीं, 1 - अल्फ़ा पर कैलकुलेट होगी। अल्फ़ा पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेट होती है टेबल से, और 1 - अल्फ़ा पर हमें टेबल जो वैल्यू देता है वो पॉजिटिव देता है। तो हमें यहाँ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। एच वन जो कि ग्रेटर है तो हमारा राइट टेल टेस्ट है, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो जो कि वैल्यू हमें 1 - अल्फ़ा देगा। तो इसलिए हम 1 - अल्फ़ा को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्टेप के अंदर पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक है। यहाँ टेस्ट स्टैटिस्टिक भी पिछली एक्सरसाइज की निस्बत चेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो प्रोपोर्शन है, तो पी माइनस पाई ओवर स्क्वायर रूट के अंदर पाई इंटू 1 - पाई ओवर एम। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर जो इस एक्सरसाइज के अंदर, यानी प्रोपोर्शन को जब हम टेस्ट करते हैं, प्रोपोर्शन का टेस्टिंग प्रोसीजर करते हैं, तो हम कभी भी टी टेस्ट नहीं लगाते, क्योंकि सिग्मा की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही होती, स्टैंडर्ड सिग्मा स्क्वेयर या सिग्मा की। तो यहाँ पर जो हमारे पास होती है वो प्रोपोर्शन होती है। जब प्रोपोर्शन है तो प्रोपोर्शन में हमने ये नहीं देखना कि एन ग्रेटर देन 30 है, लेस देन 30 है, सिग्मा नोन है, अननोन है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा जी टेस्ट ही लगेगा पूरी की पूरी एक्सरसाइज के अंदर। जहाँ पर भी प्रोपोर्शन टेस्ट होगी, चाहे वो सिंगल प्रोपोर्शन हो चाहे डबल प्रोपोर्शन, वहाँ पर जी टेस्ट ही लगेगा। तो ये सारी एक्सरसाइज के अंदर इस लिहाज से जी टेस्ट ही लगेगा। और पी माइनस पाई ओवर स्क्वायर रूट के अंदर पाई इंटू 1 - पाई ओवर है, तो ये जो नीचे वाला फैक्टर है ये पी का स्टैंडर्ड एरर है।
यानी पी का स्टैंडर्ड एरर है स्क्वायर रूट ऑफ पाई टू वन माइनस पाई ओवर एन। तो ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है, इसको हम ऑब्जर्व वैल्यू के अंदर कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकें। टेबल वैल्यू जो हमारी जी पर आनी है वो आनी है जी वन माइनस अल्फा पर। अभी भी डिस्कस हुआ कि यहाँ हमारा राइट टेल टेस्ट है क्योंकि एच वन के अंदर ग्रेटर का साइन था, तो राइट टेल टेस्ट में हमें पता है कि हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वन माइनस अल्फा पर करनी है। और टेबल वैल्यू जब हम वन माइनस अल्फा पर फाइंड करेंगे तो वन माइनस अल्फा हमारा 0.95 है, तो जी की वैल्यू 0.95 पर फाइंड करेंगे जो कि 1.6445 आएगी। ये हमारी जो बुक में टेबल है टेबल 10 का बी पार्ट, उसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमारी 0.95 पे हमारी टेबल वैल्यू क्या आती है 0.95 के ऊपर। तो 0.95 के ऊपर अगर हम देखें तो हमारी टेबल वैल्यू आती है यहाँ पर नीचे वाले कॉलम में, आप चेक करेंगे यहाँ पर ये है 0.95 और इसमें हमारी टेबल वैल्यू आती है 1.645 पॉजिटिव। तो ये वैल्यू हमारी टेबल वैल्यू है। तो यहाँ पर हम जब टेबल वैल्यू पुट करेंगे तो क्रिटिकल वैल्यू हमारी आएगी 1.645। तो क्रिटिकल रीजन हमारा जाहिर सी बात है 1.645 से बड़ा, यानी ये राइट साइड पे होगा क्योंकि राइट टेल टेस्ट है। तो राइट टेल टेस्ट में हमारे पास 1.645 क्रिटिकल वैल्यू, तो क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर हमारी रिजेक्शन है और नीचे हमारी एक्सेप्टेंस है। तो 1.645 से ऊपर हमारी रिजेक्शन है और उसके नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारी एक्सेप्टेंस रीजन है। और यही हम क्रिटिकल रीजन में लिखेंगे कि 1.645 से जी बड़ा आएगा तो हमारा क्रिटिकल रीजन है रिजेक्शन है। यही बात हम डिसीजन रूल में भी लिखेंगे कि डिसीजन रूल में भी हम यही लिखेंगे कि रिजेक्ट एच नॉट इफ जी इज ग्रेटर देन 1.645, अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। आइए देखते हैं, सैंपल डेटा से कैलकुलेट करते हैं ऑब्जर्व वैल्यू और उस ऑब्जर्व वैल्यू को फिर हम टेबल से कंपेयर करेंगे टेबल वैल्यू से, और फिर हम एच नॉट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो n है ये हमें गिवन था स्टेटमेंट में 100, x हमें ये भी गिवन था स्टेटमेंट में 70। तो यहाँ पे सैंपल प्रोपोर्शन फाइंड कर लेंगे x ओवर n करके जो कि 0.70 आएगी। हम ये p की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू फाइंड करेंगे z की p माइनस पाई ओवर पाई इंटू वन माइनस पाई ओवर n। इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करेंगे पाई की भी p की भी, और ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो z का जो आंसर आएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक का दैट इज़ 2.043। तो ये हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू को अब हमने कंपेयर करना है टेबल की वैल्यू के साथ। तो टेबल की जो वैल्यू थी वो 1.645 थी, तो 1.645 और इसको कंपेयर किया तो ये तो बड़ी वैल्यू है। जी की जो अब हमारी वैल्यू आई है टेस्ट स्टैटिस्टिक की वो है 2.043 और ये बड़ी आई है टेबल की वैल्यू से, ग्रेटर है। तो ये वैल्यू फॉल करती है क्रिटिकल रीजन के अंदर और एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर फॉल नहीं करती, यानी कि 1.645 से बड़ी है जो हमने कैलकुलेट की है वैल्यू, तो ये यहाँ फॉल करती है क्रिटिकल रीजन में। तो इस वजह से हम जो है एच नोट को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारा क्रिटिकल रीजन में वैल्यू फॉल कर रही है। तो 2.043 बड़ा है 1.645 से, सो हम रिजेक्ट कर देंगे एच नोट को। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप घर से करेंगे, एक्सरसाइज अब हमारी नई शुरू हो चुकी है 13.3 पेज नंबर 140 है आपकी बुक का। क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी पार्ट आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी पार्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज के कुछ मजीद क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।